जब से आज तक देश आज़ाद हुआ है, मंगलौर कस्बा एक ऐतिहासिक कस्बा रहा है कि जिसमें जो है कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ है। हम जो है देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। जो लोग आपस का जो है स्वार्थ को ख़त्म करना चाह रहे हैं वो लोग गलत हैं और वो जो है कस्बे का माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। लिहाजा जो मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो वो चली है, एक लाइन हमारे एक साथी ने कही है, क्योंकि हमारा पूरा इलेक्शन जो है यहाँ का जो वर्तमान विधायक था वो राजस्थान रहा है। राजस्थान पूरे 5 साल काट का है, वहाँ 5 साल के बाद जो है वही हमने मुद्दा बनाया कि राजस्थान तो पूरी यहाँ मंगलौर विधानसभा की जितनी भी आवाम थी, जितना भी वोटर था, वो सब जो है उसे राजस्थान भेजने का नारा लगाता था। इसी तरीके से हम जो है मीटिंग की, हमने आभार व्यक्त मीटिंग की, हमने आभार व्यक्त मीटिंग में जो है जो नारे लगाए हमारे एक साथी ने, वो इस बात के लगाए हैं कि पहले लगाया उन्होंने नारा दिया कि चेयरमैन जिंदाबाद, फिर कहा सरवत करीम जिंदाबाद, और उस पर कहा है कि फिर कहा है उसने राजस्थान जिंदाबाद। तो हमारे जो मुखालिफ है, जो कस्बे की फिजा को ख़राब करना चाहते हैं, उन्होंने तरुण मंडल के कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी सभा में क्या पाकिस्तान के नारे लग जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम सच्चे देशभक्त हैं। हम 1947 में भी हमारे बड़े जो है विधायक रहे हैं। ये हमें बदनाम करने की हमारे मुखालिफ की एक साजिश है, जिसे जो है बाखूबी जो है उसके साथ मुँह तोड़ उसका जवाब दिया जाएगा। और हम उन चैनलों पे जिन्होंने इसे चलाई है, हम उस पे जो है कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है हम कोर्ट में जाएंगे, मुकदमे दर्ज कराएंगे। ये जो वातावरण है हमारे कस्बे का, इसे हम कतई ख़राब नहीं होने देंगे, चाहे किसी कुछ भी हो जाए।